गाइस आईपीएल 2020 का ऊंचासा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना है। और गाइस ये मुकाबला होने वाला है दुबई के मैदान पर। और गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, और एट द एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी टीम रहने वाली है जो कि ये मुकाबला जीत के निकलने वाली है। और गाइस सभी चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए एक खुशखबरी पहले मैं दे दे रहा हूँ कि कल से हमारे वीडियो पे ऑक्शन से रिलेटेड चेन्नई सुपर किंग की वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि गाइस जो कि ऑक्शन की जो कि जंग छिड़ चुकी है उसका छेड़ सबसे पहले चेन्नई ने ही किया है। हाँ गाइस चेन्नई ने चिल्ला चिल्ला के बीसीसीआई को अपील की है कि आईपीएल 2021 के लिए आप ऑक्शन करवाइए, क्योंकि अगर ऑक्शन होगा तो चेन्नई सुपर किंग अपने लगभग 15 से लेकर 16 खिलाड़ियों को बाहर निकालने वाली है। हाँ गाइस ये अब तक की काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और गाइस कल पे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही झटपटी खबर मिलते रहेंगे। सो गाइस अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। और गाइस सबसे पहले बात होने वाली है प्लेइंग 11 की। सो गाइस एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर कैसी प्लेइंग 11 रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग की। सो गाइस सीएसके की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले ऋतुराज गायकवाड, और यहाँ पे फाफ डुप्लेसिस मिडल ऑर्डर में आने वाले अंबति रायडू, एमएस धोनी, एन जगदीशन, रविंद्र जडेजा और सैम करन। बॉलर्स की बात करें दीपक चहर, मिचेल फैटनर, मोनू कुमार या फिर के एम आसिफ में से कोई और एक, और वहीं पे इमरान ताहिर। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग पिछला मुकाबला बेंगलोर को तो हरा के आ रही है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये के एम आसिफ को भी मौका देना चाहेंगे, क्योंकि मोनू कुमार ने पिछले बार बॉलिंग की थी, 2 ओवर में 20 रन तोड़ाए थे, लेकिन हो सकता है कि धोनी ने यहाँ पे निकालते हुए नजर आ सकते हैं और के एम आसिफ को आजमा सकते हैं, क्योंकि अगर के एम आसिफ अच्छा खेलेंगे तभी ये चेन्नई के कैंप का हिस्सा रहने वाले, नहीं तो इनकी भी टाटा बाय बाय होने वाली है। सो गाइस फाइनली वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अब केकेआर के प्लेइंग 11 की। सो गाइस इनके तरफ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल। मिडल ऑर्डर की बात कर लें तो वो आने वाले नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, ओएन मॉर्गन, सुनील नारायण, और यहाँ पे पैट कमिंस। बॉलर्स की बात करें प्रफित कृष्णा, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती और लॉकी फर्ग्यूसन। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि केकेआर के कैंप से जुड़ने वाले हैं, इनके प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे अगर हम केकेआर की बात कर लें तो केकेआर की टीम यहाँ पे संभव एक बदलाव कर सकती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हो सकता है कि नागरकोटी की जगह यहाँ पे कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गाइस जैसे जैसे पिच यूज होती जा रही है स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिली, और ऐसा हो सकता है कुलदीप यादव इनके प्लेइंग 11 में जुड़ेंगे। और गाइस यहाँ पे आंद्रे रफेल अगर फिट रहते हैं तो उनकी एंट्री होना तय है, लेकिन अभी तक उनके फिटनेस पे कोई अभी तक सवाल या जवाब नहीं आया है। सो गाइस ये तो बात हो गई दोनों टीमों कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। सो गाइस पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो दुबई मैदान खेला जाना है, और गाइस जो भी कैप्टन टॉस जीतता है वो सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है। और गाइस इसीलिए जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेगा, 180 से लेकर 190 रन बनाएगा, और गाइस वो मैच जीतने का सबसे बड़ा हकदार रहने वाला है। तो गाइस वही भी हम लोग बात करते हैं हेड टू हेड की। सोनों टीमें जब पिछली दफा भिड़ी थी तो यहाँ पे कोलकाता बाजी मारती हुई नजर आई थी, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो गाइस चेन्नई के पास अब कुछ रहा नहीं है खोने को, और ऐसा हो सकता है तो ये केकेआर के सपने ध्वस्त करते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ गाइस क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अपने आईपीएल 2021 के लिए जो कि सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं वहाँ पे अपनी टीम बनाने में व्यस्त है, और गाइस यहाँ पे हो सकता है वही टीम केकेआर का सपना तोड़ देगी, और गाइस ऐसा हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग इनको हरा के इन्हें प्लेऑफ से लगभग लगभग बाहर कर सकती है। और गाइस इसीलिए ये मुकाबला केकेआर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन चेन्नई के फैंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गाइस ये माही का 2 मैच रहने वाला है, उसके बाद 4 महीने बाद हमें देखने को मिलने वाला है। इसीलिए सभी फैंस इस न्यूज से रिलेटेड रहिए, क्योंकि आपको ऑक्शन से रिलेटेड न्यूज यही पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।